Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I just started a new series, Trash into Treasure. और ये सीरीज में मैं कुछ ऐसे चीज़ों का makeover कर रही हूँ जो चीज़ें हमारे घर में ही होती है, पुरानी हो गई होती है और हम जनरली उसे फेंक देते हैं या फिर हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो ख़राब हो गई होती है इसलिए उसका कुछ यूज़ नहीं होता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे घर में और वो चीज़ों का भी मैं makeover कर रही हूँ और उसे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो है वो हैंगिंग प्लांटर मेरे घर में पड़ा हुआ था और उसमें बहुत सारी मिट्टी और वो सब था, तो मैंने एक ऑलमोस्ट 24 आवर्स उसको भिगो के रखा एक बाल्टी में और उसके बाद उसकी सब मिट्टी निकल गई और उसको पूरा क्लीन किया और क्लीन करने के बाद फिर मैंने उसको कलर करना स्टार्ट किया। अब ये जो मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ ग्रे कलर का, उस पर आई थिंक एक्रेलिक कलर ही अच्छे से बैठेगा और उसकी फिनिशिंग भी अच्छी आती है, सो मैंने एक्रेलिक कलर चूज़ किया। ये ग्रे कलर पूरा एक कोट तो हो चुका है, वो ड्राई होने के बाद मैंने सेकेंड कोट दिया उसको। अंदर से पूरा देने की ज़रूरत नहीं लगी मुझे, इसलिए मैंने सिर्फ ऊपर के पोर्शन में ही दिया। देन ये जो नीचे का पोर्शन है उसको मैंने व्हाइट कलर चूज किया, व्हाइट एंड ग्रे के कॉम्बिनेशन में, मतलब ये दो कॉम्बिनेशन मैंने चूज किए थे ये प्लांटर के लिए। नीचे के साइड में पूरा व्हाइट कलर के दो कोट आएंगे। देन जो ईयरबड्स होते हैं हमारे पास उससे ग्रे कलर पे वाइट कलर के डॉट्स एंड वाइट कलर पे ग्रे कलर के डॉट्स मैं डाल रही हूँ। जो कॉम्बिनेशन यूज किया है इसमें ग्रे और वाइट और ग्रे के ऊपर वाइट डॉट्स एंड वाइट के ऊपर ग्रे डॉट्स देने की वजह से वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वो ज़्यादा क्यूट दिख रहे हैं उसकी वजह से। सी एक पैटर्न फॉर्म हो जाता है। और ये ड्राई होने के बाद वी कैन डायरेक्टली यूज। See, this is the final look. Fairy lights and artificial hanging plants की वजह से उसका look पूरा change हो गया है. And now I can use it again. So guys, you know the drill. Like, share and subscribe to my YouTube channel and press the bell icon so that you will get notifications whenever I will upload any video. So see you in the next video. Till then, bye bye.